एक इक्वेशन नंबर दो। अब समझ में आया होगा मैंने न्यूटन का नियम क्यों बताया, डिक्टो उसकी ही कॉपी है। अब देखिए जब आप नियम बनाओगे या स्टेटमेंट बनाओगे तो आपको यही चीज याद रखनी है, इसी से बनाना है। हमने लिए हुए हैं उनके बीच में जो खाली स्थान है उस स्थान में क्या है, खाली है भरा है, भरा है तो किस चीज से भरा है। आप इसको व्यवहारिक जीवन में भी समझ सकते हैं। यहां से मान लीजिए हवा आ रही है, यहां आप पर हवा लग रही है, बीच में मान लीजिए कपड़ा कोई लगा देता है या एक जाली लगा देता है। यदि इन्हीं आवेशों को आप पकड़कर यानी इसी सिस्टम को सीधे पकड़ के और आप यहां पर किसमें रख दीजिए, इसको रख दीजिए आप Q1 Q2 और यहां पर आप इसको वॉटर में रख दीजिए। ध्यान से समझिए, आपने ना उनके बीच की डिस्टेंस चेंज की ना आवेशों के मान चेंज किए, बस उस सिस्टम को पूरे को उठाकर और किसमें रख दिया, पानी में रख दिया। यदि आप प्रैक्टिकल कर रहे होते तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामना के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। उम्मीद करता हूं आप अपने घरों में सपरिवार सुरक्षित होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई आप लगातार कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि भौतिक विज्ञान का जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वह हमेशा जो आपका प्रीवियस नॉलेज होता है यानी कि आप पूर्व में जो ज्ञान अर्जित कर चुके हैं उससे ही हम प्राप्त करते हैं। तो अभी तक हम जो क्लास 12th की इस वक्त की क्लासेस पढ़ रहे हैं उसमें अभी तक हम यह पढ़ चुके हैं कि जो आवेशन की प्रक्रिया होती है वह कितने प्रकार की होती है और आवेश क्या होता है। तो आज हमारा फोकस आवेश से आगे होगा और देखिए इससे हम कैसे कूलाम का जो नियम है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि यदि मैं आपको कहूं कि 1 kg द्रव्यमान है और उसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं और इसको अगर आपको फिगर आउट करना है यानी कि इसका चित्र बनाना है तो आप कैसे बनाते हैं। आप कुछ भी एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, हो सकता है आपके दिमाग में आए कि ये 1 kg है, इस तरीके से आप लिख देते हैं और ऐसा फिगर बना देते हैं, एक तरीका ये हो गया। या आपके दिमाग में आया कि यार ऐसा कुछ बना देते हैं, ये 1 kg है और इसको हम यहां से यहां आगे ले जा रहे हैं। अब आप जानते हो कि आवेश किसे कहते हैं। आवेश का अर्थ मैंने आपको बताया कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है या तो उसमें इकट्ठे हो जाते हैं या किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर निकल जाते हैं यानी कि उसकी कक्षा को छोड़ देते हैं तो हम कहते हैं कि वह वस्तु आवेशित है। और जो आवेश है वह दो प्रकार के हैं। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि वह एक वस्तु ही होगी, उस वस्तु में वो गुण एडिशनल आ गया है। इसका अर्थ और अच्छे तरीके से आपको समझना है तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास एक पतीली में पानी है और उस पानी को आप एक गैस के फ्लेम के ऊपर रख देते हैं तो 1 या 2 मिनट बाद आप देखते हैं कि जो पानी की मात्रा है वह उतनी ही रहती है लेकिन उसमें एक गुण और आ जाता है और वह गुण है उष्मीय गुण या गर्माहट उसमें आ जाती है या यूं कहें उसका तापमान बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए एक कॉपर का वायर है या एक एल्यूमिनियम का वायर है तो वस्तु किसकी है, एल्यूमिनियम की है या कॉपर की है। जब आपने उसको आवेशित किया तो उसमें एक गुण और आ जाएगा, उसमें आवेश आ जाएगा। तो आवेश को दिखाने के लिए भी हम इसी तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट लेंगे। मान लीजिए हम एक बिंदु आवेश को दिखा रहे हैं तो हम एक गोलाकार आकृति बनाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब जो हम यहां पर फिगर बनाने वाले हैं इन फिगर में आवेश को हम एक स्फीयर के रूप में दिखा सकते हैं, एक सीट के रूप में दिखा सकते हैं, एक लाइन के रूप में दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अब इतना पता लग चुका है कि आपके पास जो आवेश थे वो दो प्रकार के थे, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। साथ ही मैंने आपको गुणधर्म बताए कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि उनमें प्रतिकर्षण होता है। जो समान आवेश होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपोजिट चार्जेस की तो दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, प्रतिकर्षण कहना और आकर्षण कहना, इसका अर्थ है उनके बीच में बल लगता है। ध्यान दीजिए, हम शब्द को तो बोल रहे हैं कि उनके बीच आकर्षण लगता है, प्रतिकर्षण लगता है, लेकिन जो ये प्रतिकर्षण शब्द और आकर्षण शब्द है उसकी मीनिंग की तरफ तो जाएं। इसका अर्थ कहीं ना कहीं हमें यह बोध हो रहा है कि उनके बीच में एक बल लग रहा है।
तो अब क्वेश्चन ये आता है कि यदि उनके बीच में बल लग रहा है तो वो बल कितना होगा, उसका मान कितना होगा, वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा, उसका जो फॉर्मूला होगा वह क्या होगा। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि अभी तक हमें यह पता लग चुका है कि जो आवेश हैं वो दो प्रकार के हैं, वो एक दूसरे को या तो आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। मैंने कहा इसका मीनिंग समझिए, जब आकर्षण और प्रतिकर्षण की बात हो रही है तो इसका अर्थ हुआ कि वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं। अब जब बल लगाते हैं तो उस बल का मान क्या होगा, तो बल का मान ज्ञात करने के लिए एक वैज्ञानिक ने नियम दिया जिन्हें हम जानते हैं कूलाम के नाम से, यानी कि वे वैज्ञानिक थे कूलाम, और उन्होंने दो आवेशों के बीच कितना बल लगेगा, उसका सूत्र क्या होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला दिया और एक स्टेटमेंट भी दिया, यानी कि एक पूरा का पूरा कथन भी उन्होंने बनाया या नियम बनाया। उस नियम को हम कहते हैं कूलाम्स लॉ या कूलाम का नियम। लेकिन उनके दिमाग में यह आइडिया आया कहां से, थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि भी जान लेते हैं। आप जानते हैं कि जो द्रव्यमान है, यानी कि इस ब्रह्मांड में जो भी द्रव्यमान है, चाहे वो एक छोटा कण है या एक बहुत बड़े अंतरिक्ष में एक बहुत बड़े तारे की बात हम करें, वे सारे के सारे एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। और इसके बारे में हमें न्यूटन ने बताया था और साथ ही न्यूटन ने नियम भी दिया था। तो थोड़ा सा आप उस नियम को भी अगर जान लें तो आपको समझ में आएगा कि चीजें कितनी आसान हो जाती हैं समझनी जब हमें पहले का नॉलेज हो। तो न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन ने कहा था कि यदि दो द्रव्यमान है, एक द्रव्यमान ये है जिसे मैं M1 नाम दे रहा हूं और एक दे रहा हूं M2। अब यहां पर आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई हम पढ़ने जा रहे थे कूलाम का नियम और अब न्यूटन का नियम पढ़ लिया। तो मैंने बार बार कहा कि भौतिक विज्ञान में सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अगर हम क्लास 12th में हैं तो हमें न्यूटन का नियम जो हमने क्लास 11th या 9th में पढ़ा वो भी आना चाहिए, यानी कि ज्ञान हर समय हमारे अंदर मौजूद होना चाहिए जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। और उसका यूटिलाइजेशन क्या है कि जैसे आपने न्यूटन का नियम पढ़ा वैसे ही आपको आज कूलाम का नियम भी पढ़ना है। तो पृष्ठभूमि यहीं से लेते हैं, दो द्रव्यमान हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः M1 और M2 हैं और एक दूसरे से आर्द्रभूमि पर है। न्यूटन ने कहा कि उनके बीच जो बल लगेगा वह बल उनके द्रव्यमान के मानों के गुणनफल, ये कहा था, द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, यानी कि जो दो द्रव्यमान हमने लिए हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो स्टेटमेंट को मिला के न्यूटन का नियम बनता है। ध्यान दीजिए, इसमें एक और लॉजिक आपको बताता हूं कि मैं बार बार कहता हूं आपको कि अगर आपको भौतिक विज्ञान समझना है तो सबसे पहले व्यवहारिक जीवन को समझिए। मान लीजिए कहीं पे आग जली हुई है, सबने एक्सपीरियंस किया होगा ये चीज, इसीलिए मैं ये एग्जांपल आपको दे रहा हूं। आग जली हुई है और आप उस चूल्हे के बहुत नजदीक बैठे हैं तो आप पे जो तापमान पड़ता है या जो उष्मा पड़ती है वो ज्यादा, हीट ऑफ जिसको हीट आप कहते हैं, वो हीट आप पे ज्यादा लगती है। अगर आपको वो असहनीय महसूस होगा तो आप जैसे जैसे दूर हटते हैं तो जो वो आंच थी, जो उसकी इंटेंसिटी थी, वो धीरे धीरे आपको कम महसूस होती है। बोलने का अर्थ ये हुआ कि जब आप किसी चूल्हे के नजदीक हैं तो आप पे तापमान ज्यादा था, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो तापमान कम होगा। सेम टू सेम यहां है, द्रव्यमान एक दूसरे के बहुत नजदीक होंगे तो आकर्षण बल का मान अधिक होगा और यदि वो एक दूसरे से दूर होंगे तो आकर्षण बल का मान कम होगा। और वही नियम भी कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो व्यवहारिक जीवन के साथ जो ये फॉर्मूले बनाए गए हैं, वैज्ञानिक आप भी हो सकते हैं, आप में भी वैज्ञानिक जैसे गुण हैं, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा उस तरीके से। व्यवहारिक जीवन है, जो वैज्ञानिक बने उन्होंने जो व्यवहारिक जीवन था उसी से सोच डेवलप की, यानी कि अपने दिमाग में वही चीजें लेके वो आगे बढ़े। तो यहां पर वही चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी आकर्षण बल का मान क्या होगा, कम होगा। तो ये न्यूटन का नियम था और बाद में उन्होंने F इज इक्वल टू इस नियम में जी एक ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, इसे हम कहते हैं M2/r2। तो इसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इस पे अब ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यही नियम लेकर कूलाम ने दो आवेशों की बात की। अब देखिए मैं कैसे चीजें बदलता हूं, यहां पर जो द्रव्यमान लिए थे इनको ले लेते हैं आवेश, यानी कि ये है Q1 आवेश, ये है Q2 आवेश। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, कूलाम के नियम की तरफ चल रहे हैं।
क्या बताया मैंने अभी तक आपको, दो आवेश हैं Q1 और Q2, एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, r दूरी पर। द्रव्यमान वाले केस में केवल जो बल था वो आकर्षण प्रकृति का था, केवल वहां पर अट्रैक्शन फोर्स था, लेकिन यहां पर अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। ये किस चीज पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इन चार्जेस की नेचर पर। ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा, नेगेटिव नेगेटिव है तो भी रिपल्सन होगा, बट अपोजिट है ना, पॉजिटिव नेगेटिव है तब क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो फिलहाल हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि टू चार्जेस हैं और एक दूसरे से आर दूरी पर हैं। कूलाम ने उसी नियम को फॉलो किया और देखिए वही स्टेटमेंट बनाया, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इसका अर्थ ये हुआ कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, जो बल है, वह उन दोनों आवेशों यानी चार्जेस के गुणनफल प्रोडक्ट हो रहा है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये साइन अनुक्रमानुपाती का होता है, तथा उनकी जो बीच की दूरी है उसके इन्वर्सली स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही है, इक्वेशन नंबर एक, इक्वेशन नंबर दो। अब समझ में आया होगा मैंने न्यूटन का नियम क्यों बताया, डिक्टो उसकी ही कॉपी है। अब देखिए जब आप नियम बनाओगे या स्टेटमेंट बनाओगे तो आपको यही चीज याद रखनी है, इसी से बनाना है। मैं बार बार कहता हूं कि मेरा जो टीचिंग मेथड है उसमें बच्चे को कुछ भी रटाना नहीं है, सारी चीजें समझानी है और उससे ये उम्मीद करनी है कि उसके बाद वो खुद से नोट्स बनाएगा और खुद से इसको डिफाइन करना सीख जाएगा। तो देखो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आपने एक फिगर बनाई, फिगर के बारे में आपको सब समझ में आ गया। क्या समझ में आया, दो आवेश हैं जो कि एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। आपने इसी तरीके से लिखना है, दो आवेश हैं जो कि एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। कूलाम के नियम के अनुसार उन दो आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, क्योंकि आप कुछ नहीं कह रहे, आप आवेशों की प्रकृति नहीं बता रहे। अगर आपने पॉजिटिव लिखा है तो तब आप केवल प्रतिकर्षण लिखिए, नेगेटिव लिखा है तो प्रतिकर्षण लिखिए, और यदि आपने अपोजिट रखे तो आकर्षण लिखिए। इसलिए आप स्टेटमेंट में क्या दोगे, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, उन दो आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान, इसकी बात हो रही, बल का मान उनके गुणनफल यानी कि जो आवेश है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, कितना आसान है बोलना, अनुक्रमानुपाती, तथा उनकी बीच की दूरी, उनके बीच की जो दूरी है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है और उसके क्या हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। समझ में आ गया होगा। एक बार अब बहुत जल्दी इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि कूलाम का नियम क्या है, तो आप यहां से इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि मास्टर की तरह आप बताएंगे, कि दो आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के मान से संबंधित या वो बल का मान कितना होगा, इससे संबंधित कूलाम ने एक नियम दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। अब कोई बोलेगा ये तो अजीब सी बात बोल दी कि कूलाम का नियम, ये स्टेटमेंट नहीं है उनका, स्टेटमेंट यानी कि जो उन्होंने कहा है, जो कथन है, कथन अब बता रहा हूं आपको, ये भूमिका है। भूमिका किस बारे में, कि भाई कूलाम किस बारे में बात करते हैं, तो कूलाम किस बारे में बात करते हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में। समझ में आ गया होगा, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल के बारे में कौन बात करते हैं, कूलाम करते हैं। और क्या कहते हैं, अब कथन सुनिए, कथन ये है, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के, ये हैं आवेश, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए हमने अब एक और चीज यहां पे, अब लिखूंगा मैं टॉपिक कूलाम्स लॉ। बस यही विशेषता है यहां पर कि यहां पे चीजें पहले समझाई जाती हैं उसके बाद उनके बारे में लिखा जाता है। स्टेटमेंट वीडियो की एडिटिंग के बाद आपको नीचे दिख जाएगा, कोशिश कीजिए आप खुद से लिखिए क्या कहा उन्होंने। अब यहां पे आपको सारी चीजें समझ में आ गई, आवेश हैं, आवेश का क्या है वो सब आपको अभी तक समझ में आ जाना चाहिए, पढ़ाई का तभी फायदा है, इसीलिए इस पर मैं बहुत जोर दे रहा हूं। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई। अब देखिए इन दो इक्वेशन को लेके, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हम एक साथ ले लेते हैं, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाता है तब वहां पर एक कॉन्स्टेंट लगाया जाता है,
यहां पर जो कॉन्स्टेंट है उसको मैंने के लिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, कुछ बच्चों ने अगर थोड़ा सा पढ़ाई कर ली होगी तो वो कह रहे होंगे यार यहां पर के तो यूज होता नहीं, कुछ और ही यूज होता है। तो कुछ और यूज कुछ भी कर सकते हैं आप। के एक लेटर है जिसको अमूमन हम कॉन्स्टेंट के लिए प्रयोग करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको यह समझना है कि कॉन्स्टेंट लगाते क्यों है, क्या उसका मीनिंग होता है, क्यों हम लगाते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां पर जो आवेश हमने रखे हुए इन आवेश के बीच में क्या स्थित है, ध्यान दीजिए Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, वो एक दूसरे से r दूरी पर है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इन आवेश के बीच में जो खाली स्थान है उसमें क्या है, खाली है, भरा है, भरा है तो किस चीज से भरा है। आप इसको व्यवहारिक जीवन में भी समझ सकते हैं। यहां से मान लीजिए हवा आ रही है, यहां आप पर हवा लग रही है, बीच में मान लीजिए कपड़ा कोई लगा देता है या एक जाली लगा देता है या कुछ एक सॉलिड मीडियम लगा देता है, तो जो आप पे हवा आएगी उसकी अमाउंट अलग अलग होगी। अगर जाली लगाई तो थोड़ी सी हवा कम हो जाएगी लेकिन आप तक आएगी। कपड़ा लगा दिया, माना कपड़े में छोटे छोटे छेद हैं, हवा आएगी लेकिन और कम आएगी। और मान लीजिए एक सीट लगा दी पूरी मेटल की या किसी और चीज की, तो अब आप पे हवा आएगी ही नहीं। तो बोलने का अर्थ ये हुआ कि जो आवेश है वो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर या कुछ दूरी पर रखे गए हैं, उनके बीच जो माध्यम होगा वह उनके बीच लगने वाले बल को क्या करेगा, कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा या उसको प्रभावित करेगा। तो जब वो उस पर प्रभाव डालेगा, उस प्रभाव को दिखाने के लिए हम एक कॉन्स्टेंट प्रयोग करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, के कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यदि ये जो मीडियम है जो मैंने यहां पर बीच में लिया हुआ है, ये मीडियम निर्वात है। यहां पर हम कह रहे हैं ये वाली जो चीज है ये क्या है, निर्वात है या वायु है, ऑब्लिक वायु भी आप कह सकते हैं, ये निर्वात है या वायु है, यानी कि मीडियम में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सीधे या तो निर्वात है या तो क्या है, वायु है। तब जो के का मान होता है, के इज इक्वल्स टू होता है 1/4πε0 और इसका मान होता है 9×10⁻⁹। ध्यान दीजिए कॉन्स्टेंट है के, जो कि अलग अलग माध्यम के लिए अलग होगा, लेकिन जब हम दो आवेश के बीच में माध्यम या तो वायु लेते हैं या निर्वात लेते हैं तब के को कहा जाता है 1/4πε0 और इसका मान होता है 9×10⁹। ध्यान दीजिए एक नया शब्द आया है जिसको हम पढ़ते हैं इप्सिलॉन, ये तो पढ़ना हुआ, बोलते क्या है इसको, इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं इसको निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी कि जो निर्वात है वह दो आवेशों के बीच लगने वाले बल पर किस तरीके का प्रभाव डालता है। इसका मीनिंग है, कुछ मीनिंग ये है कि यदि निर्वात है तो वो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को किस तरीके से इफेक्ट करता है या प्रभावित करता है। यहां तक समझ में आ गया। इसका मान भी होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू होता है 8.85×10⁻¹2 मात्रक होता है कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये अभी मैं आपको फाइंड करके बताऊंगा कि ये मात्रक कहां से आया, सारी चीजें बतानी है आपको, एक एक चीजें बतानी है, अच्छे से पढ़ना है ताकि पढ़ाई यूजफुल हो, केवल भागना नहीं है। अगर भागने की आपको इच्छा है तो यहां इस चैनल पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, सीखने की इच्छा है तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो ये सारी चीज अभी तक आपको समझ में आ गई होगी। निर्वात था तब हमने के की स्थान पर क्या लिया, 1/4πε0 क्या पढ़ते हैं, इप्सिलॉन पढ़ते हैं और नॉट पढ़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये जीरो लगा है यहां पे। और इसका मान भी होता है 9×10⁻¹ और इंग्लिश हिंदी सब में मैंने आपको बता दिया है। यहां तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं। डिस्कस किस बात पे करना है, डिस्कस इस पे करना है कि जो अब फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। तो अभी तक ये सारी चीजें यदि आपको समझ में आ गई है तो इसको कंटिन्यू करते हैं और जो अब हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/r2। ये फॉर्मूला बन चुका है और अभी ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, ध्यान दीजिए ये सिंपल है ना, तो मैंने यहां पे आवेशों की प्रकृति लिखी है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है कोई मतलब नहीं हमें, और फिलहाल हमने ये फॉर्मूला बना दिया है। सारी वैल्यूज मैंने आपको बता दी हैं, किसका मान क्या होता है, किसे क्या पढ़ते हैं, तो ये कूलाम के नियम से फॉर्मूला आया है और जो लगभग डिट्टो किसकी तरह है, एफ इज इक्वल्स टू जी एम1 एम2 / r2। ये न्यूटन का नियम था,
यहां पर जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था जिसका मान 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 होता है, m1 m2 द्रव्यमान थे। तो ये सारी चीजें एक जैसी ही है, इसीलिए मैंने कहा कि यदि आपको ये आता होगा पहले से या आता था तो आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक स्टेप आप समझ चुके हैं, आप क्या समझे कि कोई भी आवेश है वह दूसरे आवेश पर क्या लगाता है, बल लगाता है। वो बल कितना लगता है उसका नियम दिया कूलाम ने, कूलाम ने जो नियम दिया उसके आधार पर हमने फॉर्मूला बना लिया है, और फॉर्मूला बना है F=1/4πε0Q1Q2/r2। तो यहां तक आप अभी तक समझ चुके हैं। अब आगे हम बात करेंगे, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे जिन पे हमें बात करनी है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो कूलाम का नियम है वो कहां एप्लीकेबल है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि कूलाम के नियम की लिमिटेशंस क्या है, उसे हम कहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कूलाम का नियम में आपको दो चीजें रखनी है, एक तो ये रेस्ट चार्ज के लिए लगता है, जो चार्ज स्टेशनरी कंडीशन में हो, विराम अवस्था में हो। आवेश जो है वो कैसा होना चाहिए, रेस्ट पोजिशन में होना चाहिए या विराम अवस्था में होना चाहिए। और दूसरा वो लगता है पॉइंट चार्ज पर, पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश पर लगता है। ध्यान दीजिए, बिंदु आवेश पर लगता है। क्यों लगता है, क्या इसके पीछे कारण है, वीडियो के अंत में आपको ये मैं बताने वाला हूं, क्योंकि अभी इसके और कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं। अब हम इस बात पर डिस्कस करने वाले हैं कि जो परमिटिविटी है या जिसको हमने इप्सिलॉन नॉट कहा है हिंदी में, जिसको मैंने आपको बताया था निर्वात की वैद्युतशीलता, उसका मात्रक क्या होता है और उसकी डायमेंशन भी कई बार पूछी जाती है, तो डायमेंशन क्या होती है। ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं कि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि कंपटीशन में पूछे जाते हैं या कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, फॉर्मूला था F=, हमेशा जीरो से स्टार्ट करना है और हीरो बनना है, तो ये आपके पास वैल्यू है अपॉन R2, राइट। यहां पर इप्सिलॉन नॉट है, हमें इसको नॉर्मल सॉल्व करना है, तो इप्सिलॉन नॉट = हो जाएगा 1/4πQ1Q2/FR2। तो ये वैल्यू जैसे हम मैथमेटिक्स सॉल्व करते, नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते, वैसे ही आपको सॉल्व करना है। अब देखिए, मात्रक निकालना है, तो ये तो मात्रक होगा नहीं क्योंकि 1/4π है, एक नंबर है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, देखिए क्यू क्यू है तो कूलाम स्क्वायर हो गया, और एफ का मात्रक न्यूटन होता है और आर का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा था, तो आपको ध्यान रखना है इप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है वो आपको निकालना बताया मैंने, जो कि आया कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। साथ ही बीमा भी निकाल लेते हैं, बीमा के लिए कोई ट्रिक्स मैंने आपको दी है, इसमें आपको जूल की, न्यूटन की, ये यूनिट्स अगर याद हो तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। देखिए, एक फॉर्मूला आपने 10th लेवल पे पढ़ा है, I=2 होता है Q/T। तो यहां पर देखिए Q=2 हो जाएगा IT। एक्चुअली जब भी हम बीमा निकालते हैं, वैसे आपको आता होगा, यदि किसी को नहीं आता है तो हमेशा आपको क्या करना होता है, जो व्युत्पन्न राशियां हैं या जो व्युत्पन्न मात्रक हैं उनको मूल मात्रकों में कन्वर्ट करना होता है। तो क्यू जो ये सी था यानी कूलाम था, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है। कूलाम में आपको पहले ही बता चुका हूं किसका मात्रक है, ये आवेश का मात्रक है, इस पे और डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई IT यानी A और T, ये आपने इसकी बीमा लिख ली है। I एम्पियर हो गया, एम्पियर के लिए कैपिटल A लिखा जाएगा बीमीय रूप में, और T यानी समय है तो कैपिटल T लिखा जाएगा। दूसरी बात इस पे करते हैं, ये है न्यूटन और मीटर स्क्वायर। तो यहां पे देखो, न्यूटन के लिए ML T-2 लिखा जाता है, ये आप याद रखें, और ये L स्क्वायर लिखा जाता है। बहुत बेसिक है, 12th लेवल पे हम इसकी बात नहीं करेंगे, केवल बीमा थोड़ा सा मैं निकाल के आपको बता रहा हूं। तो यहां पे वैल्यू आई ML³ आ जाएगी, T-2 आ जाएगी, राइट। अब आप इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को रख दें तो यहां पे वैल्यू हो जाएगी, देखिए AT/ML³T-2। फिर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A, चलो इसको सही से लिखते हैं, सबसे पहले M लिख लेते हैं, -1 हो जाएगा ऊपर जाके, T भी -3 हो जाएगा, और ये देखिए -2 है ऊपर जाके 3, तो ये 3 हो जाएगा और A आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा, T⁻²⁺ है, जब ऊपर आएगी तो प्लस हो जाएगी, और ऊपर पहले से T है तो T³ हो जाएगा। तो ये बीमा आपके पास हो गई। तो इप्सिलॉन नॉट की
जो बीमा आपको प्राप्त हुई वो क्या प्राप्त हुई है, वो हुई है ये L माइनस थ्री टी माइनस क्यू और A प्राप्त हुई है, ये ध्यान रखिए। तो ये क्वेश्चन कभी कभी एक या दो नंबर में पूछा जाता है, कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपको ये समझ में आए कि बीमा और मात्रक कैसे याद करते हैं। अगली बात करते हैं, जो आवेश है उस आवेश के दो छोटे मात्रक है और कूलाम उसका एसआई मात्रक है और दो छोटे मात्रक भी है, तो उनपे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। तो यहां पर एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपके पास मात्रकों की अलग अलग पद्धतियां होती हैं, उन पद्धतियों में जो मात्रक है वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अभी फोर्स की बात की, तो फोर्स का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन है, लेकिन जब हम सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं तब उसका मात्रक डाइन हो जाता है। इसी तरीके से और भी मात्रक हैं। तो यहां पर जब हम सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं तो यहां पर दो मात्रक निकल के आते हैं, किसके, आवेश के। तो चार्ज का जो पहला मात्रक है यूनिट ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का मात्रक। आप भी कोशिश करें थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में लिखने की, इससे आपकी दोनों प्रैक्टिस हो जाएगी और हिंदी में मैं लगातार आपको बता ही रहा हूं। आवेश का जो मात्रक है वो क्या है, कूलाम है, ये है जिसको हम कैपिटल सी लिखते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस भी कर लिया है। ये जो मात्रक है ये एसआई सिस्टम में है, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसमें ये मात्रक है। अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो मात्रक होता है ई एस और इसे हम यू कहते हैं, ध्यान दीजिए ई एस यू। ई एस यू का अर्थ होता है इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ध्यान दीजिए। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ना भी पूछी जाए तो हमें डीप नॉलेज होना चाहिए। तो ई एस यू का अर्थ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इंग्लिश में ही लिखेंगे क्योंकि इंग्लिश में ही नाम है। ये सीजीएस सिस्टम में है, किसमें है, सीजीएस सिस्टम में, राइट। तो इस मात्रक का जो मान होता है वो होता है 1 कूलाम इज इक्वल टू 3×10⁻⁹ स्टेट और कूलाम इसको हम कह सकते हैं। ध्यान दीजिए 1 कूलाम इज इक्वल टू क्या होता है, 3×10⁹ स्टेट कूलाम। स्टेट का मतलब वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक, या केवल हम स्टैटिक कूलाम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैटिक कूलाम। एक तो ये हो गया, एक और मात्रक है ई एम यू, इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, राइट। तो यहां पे 1 कूलाम इज इक्वल्स टू 1/10 और ई एम यू होता है, यानी कि 1 कूलाम का जो मान है ई एम यू बड़ा मात्रक है उसका 1/10 हिस्सा होता है। तो ये दो चीजें मैंने आपको बताई, दो छोटे मात्रक, एक छोटा मात्रक और एक बड़ा मात्रक आपको बताया। कभी कभी पूछा जाए तो बहुत अच्छे से आप इसको याद रखें। दो मात्रक थे, एक था ई एस यू जिसका अर्थ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, और उसमें मैंने कहा 1 कूलाम इज इक्वल टू होता है 3×10⁹ स्टैटिक कूलाम, और दूसरा है ई एम यू इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, और 1 कूलाम इज इक्वल टू 1/10 ई एम यू होता है। तो ये दो यूनिट भी आपको याद हो गई होंगी। अब आगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, वो है रिलेटिव परमिटिविटी, या हम इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हमको कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ना है या संधारित्रों के बारे में पढ़ना, वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट आपको पूछा जाएगा या वहां पर भी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये टॉपिक यहां पढ़ लेते हैं। तो जो टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं वह है रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, हिंदी में से कहेंगे आपेक्षिक या सापेक्ष भी आप कह सकते हैं, वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फिर से एक और बार डिस्कस कर लेते हैं। ये एक सिस्टम है चार्जेस का, यानी कि यहां पर एक चार्ज है Q1, ये है Q2 और इनके बीच की दूरी है R। ध्यान से समझिए, ये दोनों अभी हमने निर्वात में रखे हैं। जब निर्वात में इनको रखते हैं तो आपको पता है इनके बीच में एक फोर्स लगता है, यहां पर मैं वैक्यूम लिखूंगा 1/4πε0 Q1 Q2/R2। सारी चीज समझ में आ गई, क्या कहा मैंने आपसे, मैंने कहा दो चार्ज हैं जो कि Q1
Q1, Q2 है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है, और एक दूसरे से जो उनके बीच में माध्यम है वो माध्यम वैक्यूम है या वायु है, तब जो फोर्स लगता है कूलाम का नियम अभी हमने पढ़ा है वो ये है। मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, अब आपको कूलाम के नियम की केवल एप्लीकेशंस करनी है। कूलाम का नियम आपने समझ लिया, इसीलिए मैंने उस पर टाइम लिया, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की। अब आपको केवल जो है यहां पर उसकी एप्लीकेशन करनी है, राइट। ये वैक्यूम में उनके बीच क्या लग रहा है, फोर्स। यदि इन्हीं आवेशों को आप पकड़कर, यानी इसी सिस्टम को सीधे पकड़ के, और आप यहां पर किसमें रख दीजिए, इसको रख दीजिए आप Q1, Q2, और यहां पर आप इसको वॉटर में रख दीजिए। ध्यान से समझिए, आपने ना उनके बीच की डिस्टेंस चेंज की, ना आवेशों के मान चेंज किए, बस उस सिस्टम को पूरे को उठाकर और किसमें रख दिया, पानी में रख दिया। यदि आप प्रैक्टिकल कर रहे होते तो तब आपको पता लगता कि उनके बीच अब जो फोर्स लग रहा था, एक एग्जांपल लेते हैं, फिलहाल मान लेते हैं, मान लीजिए ये लग रहा था 100 न्यूटन का। 100 न्यूटन का माना कहा है, आप ये ना कहना कि 100 न्यूटन ही लगता, नहीं, ये मैं मान के कह रहा हूं कि 100 न्यूटन लग रहा, चलो 100 भी नहीं, 1 न्यूटन लग रहा था। कितना लग रहा था, 1 न्यूटन लग रहा था, स्टैंडर्ड लेते हैं 1 न्यूटन लग रहा था, ठीक है, कहां, जब वैक्यूम में थे। अब हम इस सिस्टम को कहां ले गए, जल के अंदर, पानी के अंदर ले गए, तो हम क्या पाते हैं कि इनके बीच में, हम इसको मीडियम लिखेंगे MED, और 1/8 टाइम ये हो जाता है F वैक्यूम के। ध्यान दीजिए, इसका अर्थ समझ लीजिए, इसका अर्थ ये हुआ कि जो 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, जब हमने उसी सिस्टम को, यानी कि जो आवेश हैं और जो उनके बीच की दूरी है उसको बराबर रखते हुए जल में रख दिया, तो अब उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो 1/80 गुना कम लग रहा है। 1/80 गुना कह दिया तो कम ही होगा, क्योंकि उसका फ्रैक्शन हो रहा है, यानी कि अब फोर्स का मान क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वायु को छोड़ के अन्य माध्यमों में जो वैल्यू होगी फोर्स की, वो डिपेंड करेगी उनके बीच जो पराबद्धतांक है, यानी जो माध्यम का नेचर है, उस नेचर, यानी जिसको हमने परमिबिटी कहा था, वैद्युतीयता कहा था, वह किस प्रकार की है। तो ध्यान दीजिए फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, यहां पे हम इसको m मीडियम कहेंगे, 1/4π कहेंगे, अब इसको इप्साइलन नॉट नहीं कहेंगे, केवल इप्साइलन रखेंगे, और सेम रखेंगे Q1 Q2 r² equation number 2। समझ में आया, ये न्यूमेरिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश की, एक स्टैंडर्ड वैल्यू आपको बताई जो कि प्रैक्टिकल किया गया है। लेकिन हो सकता है यहां पर हम पानी ना ले रहे हो, हम यहां पर केरोसिन ले रहे हो, यहां पर हम पेट्रोलियम पदार्थ ले रहे हो, या हम यहां पर हनी ले रहे हो, कुछ भी ले सकते हैं, राइट। या हमने कोई सॉलिड मीडियम रख दिया हो, तो मैंने कहा कोई भी मीडियम हो उसके लिए फॉर्मूला होगा 1/4π इप्साइलन नॉट आता था, केवल इप्साइलन लिखेंगे और Q1 Q2 r² लिखेंगे, राइट। तब एक फॉर्मूला बनाया जाए, हम एक वैल्यू निकालते हैं, हम वैल्यू निकालते हैं एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल्स टू, देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, वैक्यूम का मान ऊपर रखिए, 1/4π ε₀ Q1 Q2 r² upon 1/4π ε₀ Q1 Q2 r² बहुत इजी है ये, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पे ध्यान दीजिए ये केवल एप्साइलन है, तो यहां पे वैल्यू क्या होगी, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू, ये ऊपर चले जाएगा और अपॉन क्या जाएगा, ये। तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास आया जो कि इप्साइलन अपॉन इप्साइलन नॉट है। यहां तक समझ में आ गया होगा, हमने दो मीडियमों का कंपेयर कर लिया है। जब कंपेयर किया तो कंपेयर करने के बाद क्या बचता है वो देख लेते हैं, यहां पे कर दे इस काम को। तो हमारे पे एक फॉर्मूला आएगा, जो ये वैल्यू आई है इसको हम कहते हैं ये, ध्यान दीजिए क्या कहा जाता है इसे, इप्साइलन, ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, इसको अच्छे से लिखता हूं यहां पे, ये हो जाएगा इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू इप्सिलॉन आर। आर मींस रिलेटिव, यहां पे जो आर है इसका अर्थ हो गया रिलेटिव, हम सापेक्षिक। सापेक्षिक शब्द तब लगता है जब हम एक स्टैंडर्ड के साथ दूसरी वैल्यू का क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे आपने सुना होगा आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व में हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु के घनत्व को जल के घनत्व के साथ कंपेयर करते हैं,
समझ में आया। तो अपेक्षिक का अर्थ होता है कि स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ उसको क्या करना, कंपेयर करना। यहां पे हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, वैक्यूम है। जब आवेशों को कहां रखा गया है, वैक्यूम में रखा गया है। तो यहां पे देखिए हमने वही काम किया और उनका क्या लिया, रेशियो लिया, तभी तो कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला आया, इप्सिलन अपॉन इप्सिलन नॉट और इज इक्वल्स टू, इसको हम दे रहे हैं इप्सिलन आर, जिसको मैंने कहा रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। और इसी रिलेटिव परमिटिविटी को, यानी कि ये वैल्यू जो है, इसी को के कहा जाता है और इसको हम उन दो माध्यमों का परावैद्युतांक भी कहते हैं। वो जो दो माध्यम, एक निर्वात है और एक जल है, तो निर्वात स्टैंडर्ड हो गया, तो जल का क्या कहा जाएगा, उसको परावैद्युतांक कहा जाएगा, हमने कंपेयर किया जब उसको। तो अब इसको परिभाषित करना है, परिभाषा बनाना बहुत आसान है। आपने किया क्या, आपने ये रेशियो निकाला, इसके बाद ये रेशियो आया है। आप देखिए इसको डिफाइन करना, यानी कि इसको परिभाषित करना है, तो परिभाषित करना बहुत आसान है। आपके पास अगर ये वैल्यूज आ चुकी है, यानी कि जो प्रोसेस मैंने अभी तक की पूरी प्रक्रिया को आप समझ चुके हैं, तो आप इसको बहुत आसानी के साथ परिभाषित कर लेंगे किसी माध्यम का, क्योंकि हम माध्यम का देख रहे हैं, जल का देख रहे हैं। मैंने कहा ना कि जो निर्वात है उसको तो हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं, मानक ले रहे हैं, तो हम किसका परावैद्युतांक फाइंड कर रहे होंगे, यहाँ पे जल का। तो हम कहते हैं किसी माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का निकाला जा रहा, ध्यान दीजिए, किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम के वैद्युतशीलता तथा, उस माध्यम की वैद्युतशीलता है ना, उस माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात, ये रेशियो हो रहा है, अनुपात के बराबर होता है। समझ में आ गया, एक बार और बोल रहा हूं, किसी माध्यम का परावैद्युतांक का मान उस माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो यह भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो देखिए कैसे हम कड़ियां जोड़ रहे हैं, कैसे हमारे फॉर्मूले बन रहे हैं और कितना आसान है इनको परिभाषित करना। तो आइए आज के अंतिम टॉपिक को पढ़ते हैं, कूलम्स लॉ की जो सीमाएं हैं, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ वो क्या है, और उन्हें हम कैसे अंडरस्टैंड करें कि कूलाम का जो नियम है वो किन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले आपको ये एक चीज ध्यान रखनी है कि जो लिमिटेशंस होती हैं, लिमिटेशंस का अर्थ ये होता है कि वो नियम किन परिस्थितियों में लग सकता है, यदि वो परिस्थितियां बदल जाती हैं तो वो नियम एप्लीकेबल नहीं होगा या वह नियम नहीं लगेगा। तो यहां पर देखिए नियम दो बन सकते थे, मैंने एक ही नियम बनाया है, द लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस इन रेस्ट। यानी कि पहली कंडीशन है कि जो आवेश है, जो चार्ज है, वो बिंदु आवेश होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि वो रेस्ट में रहना चाहिए। तो दोनों का मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं कि इससे क्या फर्क पड़ता है या ये कंडीशंस क्यों एप्लीकेबल है। देखिए पॉइंट चार्ज का अर्थ क्या होता है, पॉइंट का अर्थ होता है बहुत छोटा एक बिंदु, जिसको हम कहते हैं एक छोटी सी बॉडी। हालांकि जरूरी नहीं है कि भौतिक विज्ञान में आप एक बिंदु को ही बिंदु कहें, हो सकता है आप एक स्फीयर की बात करें और इस स्फीयर से हम बहुत दूर स्थित हों, तो यह भी एक बिंदु आवेश होता है या एक बिंदु हो सकता है। इसी तरीके से मान लीजिए हमारी अर्थ है और यूनिवर्स से हम उसे देख रहे हैं, तो हमारी अर्थ जो कि इतनी बड़ी बॉडी है वो भी एक बिंदुनुमा हो सकती है। तो यहां पर बिंदु का कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है कि आप बिंदु का मतलब बिंदु ही समझिए, डिपेंड करता है कि हम उससे कितनी डिस्टेंस पर हैं और उससे कितनी डिस्टेंस पर हम वो प्रयोग कर रहे हैं। तो यहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट लेने के पीछे कारण है कि जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है उसका जो आवेश होगा उसे हम उसके सेंटर पॉइंट पर कंसंट्रेट मान सकते हैं, यानी कि जो आवेश है वो लगभग एक ही जगह पर होगा। लेकिन जब हम बड़ी बॉडी की बात करते हैं, जैसे इसकी बात करते हैं, इसमें जो आवेश है वो समान रूप से इस तरीके से वितरित हुआ होगा या असमान रूप से वितरित हुआ होगा। अब यहां से हम मान लीजिए यहां से हम डिस्टेंस देखते हैं तो इन आवेशों से दूरी अलग हो जाएगी, इनसे अलग हो जाएगी। तो यहां पे हम ये कहते हैं कि जब हम बड़ी बॉडी लेते हैं तो उसका जो आवेश वितरण होता है वह असमान हो जाता है, लेकिन इसे हम बिंदु आवेश मान सकते हैं जब हम जो आवेश है उससे दूरी बहुत ज्यादा ले लें, यानी कि बहुत दूर स्थित हम दूसरा आवेश ले लें तो इसको बिंदु आवेश माना जा सकता है। तो पहला कारण आपको समझ में आ गया होगा कि जो वस्तुएं हैं उनकी डायमेंशंस बड़ी होती है, इसलिए आवेश का वितरण क्या हो जाता है, वो
इरेगुलर हो जाता है, यानी कि एक समान नहीं रहता है, संतुलित हो जाता है अलग अलग जगहों पर। हम ये कह सकते हैं कि जो आवेश वितरण है वो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो इसलिए कूलाम के नियम में बिंदु आवेश लिया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है लिमिटेशन का, वो है कि जो आवेश है वो रेस्ट में रहना चाहिए। तो इसके पीछे कारण ये है कि यदि आवेश रेस्ट में ना रहे तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो उनके बीच लगातार जो आकर्षण बल का मान है वो बदलता जाएगा, और बाकी जो परिस्थितियां हैं यानी कि उनके बीच का जो माध्यम है और भी अन्य जो घटना कंडीशंस हैं वो सारी की सारी क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। तो वेरिएबल वैल्यूज वहां पे हो जाएगी बल की, जो कि फाइंड करना कूलाम के नियम में नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो नियम अपना लगाया है आवेशों को रेस्ट में रखकर यानी कि स्थिर रखकर क्या किया है, अप्लाई किया है। तो ये दो लिमिटेशंस थी। इसके अलावा और भी लिमिटेशंस हैं कि ये नियम जो है, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है उसको फॉलो करना चाहिए, तो तमाम और कंडीशंस आ सकती हैं। एक बात और छूट गई थी यहां पर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि दो आवेशों के बीच में लगता है, ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का अर्थ क्या हुआ, थोड़ा सा वो समझ लीजिए। एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, ये इसका केंद्र है और ये इसका केंद्र है। तो जो लाइन केंद्र को जोड़ती है वो लाइन ठीक यहां ऐसे गुजरेगी, ये। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स हमेशा इन दो सेंटर को, यानी कि जो आवेश है, एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है, इन आवेशों को जोड़ने वाली जो लाइन है जो कि इनके सेंटर से गुजरती है उसके ही एलोंग लगता है, यानी कि जो बल लगेगा वो यहां लगेगा या यहां लगेगा, इस कंडीशन में नहीं लगेगा कि कहीं और लग गया। तो इसको हम सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह भी केंद्रीय बल है और यह भी केंद्रीय बल है। समझ में आ गया, केंद्रीय बल किसे कहते हैं, हमेशा बल उन दो वस्तुओं या आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन है जो कि उनके सेंटर ऑफ मास से गुजरती है उसके एलोंग, उसके परितः लगता है। तो उम्मीद करता हूं जो कूलाम का नियम था उससे संबंधित जो बेसिक जानकारी थी वो आज के वीडियो में आपको दी गई है। अब जो वीडियो है वो और भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप एक एक वीडियो को जब देखते आएंगे तो आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और कभी भी आप ये मतलब मिस नहीं करोगे कि हमारी जो क्लासरूम टीचिंग होती थी वो इससे बेहतर होती थी। यदि आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको, मुझे लगता है, समझ में आ जाएगा। यदि कोई प्रॉब्लम फिर भी रह जाती है तो आप जरूर मुझे कमेंट्स कीजिए ताकि मैं और बेहतर करने की कोशिश करूं, और आप ना भी कहें तब भी मैं और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तो जो आगे आने वाले वीडियो हैं वो और भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और उनमें और भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तब तक आप अपनी स्टडी करते रहिए, बी सेफ, स्टे होम, और कोरोना से आपको जंग जीतनी है।